हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। चलो, आई होप सब आप बहुत अच्छे होंगे। फिफ्थ चैप्टर में हमने डिस्कशन किया था लास्ट सेशन में मैग्नेटिज्म एंड मैटर के बारे में, और छोटा सा एक कंसेप्ट डेवलप किया था कि बार मैग्नेट किस तरह से बिहेव करता है, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस की तरह बिहेव करती हैं, क्या क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, वो सब हम लोगों ने पता लगाया था। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो रिलेशनशिप है उनके बारे में। ठीक है, तो देखो, दोनों का पहले छोटा सा एक इलेक्ट्रिकल, ये हम लोग पढ़ने के वाले हैं, इलेक्ट्रिकल एनालॉजी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिकल फील्ड के जो कंसेप्ट है उनसे किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, ये सब हम लोगों को पता करना है। तो देखते हैं कैसे होता है। तो मैं यहाँ पर दो सिस्टम बना रहा हूँ, एक पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, एक मेरे पास में बार मैग्नेट है, दोनों से किस तरह से बिहेवियर शो करता है वो सब पता। ठीक है, तो अगर हम बात करें एक पॉइंट चार्ज, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग, एक पॉइंट चार्ज कर रहे हैं, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहीं भी वो ले सकते हो आप प्रॉब्लम। तो बोला गया ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, और ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा है मेरे पास में, पॉजिटिव। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा मेरे पास में कोई पॉइंट चार्ज है, दैट इज नेगेटिव। ये क्या है, नेगेटिव। क्लियर है सब बातें? तो इनके बीच में क्या होगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और माइनस में जाके टर्मिनेट होगा, यही सब चलता है, यही सब हमारे पास में चलता है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से इसमें क्या होता है, टर्मिनेट होता है। यहां पर जिसको आपने पॉजिटिव चार्ज बोला है, अगर मैं उसको नॉर्थ पोल डिफाइन कर दूं, ठीक है, इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो एक बार मैग्नेट के अंदर, तो बिल्कुल आसान सा काम आपको करना है, जहां पर आपका पॉजिटिव चार्ज था वहां पर क्या प्लेस कर दोगे, एक नॉर्थ, क्या कर दोगे, एक मैग्नेटिक नॉर्थ। जहां पर नेगेटिव चार्ज था वहां पर क्या पुट कर दोगे, एक मैग्नेटिक साउथ। और सिस्टम किस तरह से बिहेव करता है, आपने कहा सर यहाँ भी कुछ ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यहां से इस तरह से क्या होता है, प्रोपोगेट होता है, और क्या होता है सर, साउथ के ऊपर जाके टर्मिनेट हो जाता है। तो आपने कहा सर यहां से ये प्रोपोगेट हुआ और यहाँ पर जाकर ये टर्मिनेट हो गया। तो इस तरह से बहुत सारा कुछ फील्ड इसमें इस तरह से क्या करेगा, इस तरह से आपको शो करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन साउथ में अंदर की तरफ जाता हुआ, नॉर्थ से लीव करता हुआ, नॉर्थ से लीव करता हुआ, नॉर्थ से लीव करता हुआ, और इस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। लेकिन ये एक्सटर्नल है, इंटरनल की अगर बात करोगे तो इंटरनल में क्या होगा, साउथ से और नॉर्थ की तरफ क्या होंगी, आपकी फील्ड लाइंस आएंगी, क्या होंगी, साउथ से और नॉर्थ की तरफ इंटरनल। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ किसी तरह का कोई लूपिंग नहीं होगा, इसी तरह का बिहेवियर ये हमेशा शो करेगा। कैसे डिफाइन करते हैं, आपने कहा सर इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट निकाल दूं, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वो मुझे क्या दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर मैं इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करते हैं, बी वेक्टर से। कैसे डिफाइन करते हैं, बी वेक्टर। इलेक्ट्रिकल फील्ड को इसे डिफाइन करते हैं, ई वेक्टर। क्लियर है सब बातें, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, और फिर उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे डिराइव करेंगे, डेरिवेशन हम करेंगे, ऐसा नहीं है डेरिवेशन सारे होंगे, लेकिन वो फोर्थ चैप्टर में, फिलहाल तो उसका बस हमें क्या करना है, दोनों को कंपेरिजन बस हम लोग कर रहे हैं, डेरिवेशन फोर्थ चैप्टर में आपके सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें आप टेंशन मत लीजिए, ना हो जाएगा। बात आती है सर यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक्चुअल में क्या है, आपका नॉर्थ पोल है, क्या बन गया, यहाँ पर नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो गया। जो हमारा एक नेगेटिव चार्ज था वो हमारा यहाँ पर क्या बन चुका है, दूसरा क्या बन चुका है मेरे पास में, साउथ पोल में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने क्या बोल दिया सर, बी वेक्टर, इसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड। ई को हम लोग क्या बोलते थे, इसी को बोला जाता था, दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या बोलते थे इसको हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जिस भी पॉइंट पे हमारा ई आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बी में। बस इतना सा काम आप कर दो, उसके बाद में आपको कोई सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा काम करना है, जहां ई आएगा वहां पर बी पुट करते जाओ और सिस्टम आपका चेंज होता हुआ चला जाएगा। क्लियर है सब बातें, चलो नंबर वन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर वन क्या था,
हमने पता लगाया था इलेक्ट्रिक फील्ड, सबसे पहला काम क्या किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। क्या किया था हमने, ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए थे, उन वैल्यूज को हमें करना क्या है, कंपेयर करना है। उनको क्या करना है, कंपेयर करना। किस तरह से कंपेयर करोगे, आपने कहा सर पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था उसको हमने लिखा था दैट इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट, और इसका वैल्यू मुझे मिला था के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। क्या मिला था, के क्यू डिवाइड बाय आर स्क्वायर। तो सिमिलर सी बात आप यहां भी कर सकते हो, क्या कह सकते हो, आपने कहा सर जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहां पर क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू किससे, ठीक है, मोनोपोल। किससे बात करोगे, मोनोपोल। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज सिंगल है, तो यहां भी जो पोल होगा वो क्या होगा, सिंगल होगा। देखो ऐसा होता नहीं है कभी, ये ध्यान रखना, बाद में कहीं तुम लोग बोलने लगो कि सर मोनोपोल तो होता ही नहीं, आपने बोला नहीं मोनोपोल की वजह से काउंट कर रहे हैं, होता कभी नहीं है, दे आर ऑलवेज इन कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। ओके, नॉर्थ साउथ की कॉम्बिनेशन में हमेशा होते हैं। तो यहां पर हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, यहां पर क्या था ई, अभी क्या हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा बी। तो बी में यहां पर क्या, देखो ई में क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्यू की जगह कौन आ जाएगा, नॉर्थ पोल। भाई जहां चार्ज है वहां पर कौन है, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, अगर ये पॉजिटिव है तो नॉर्थ पोल, नेगेटिव है तो साउथ पोल, जैसा भी होगा ये हम पता लगा लेंगे। कैसे करेंगे, तो आपने कहा सर यहां भी हो जाएगा आपका के मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्यू की जगह कौन आ जाएगा मेरे पास में, नॉर्थ पोल। और मोनोपोल की जब बात करते हो तो नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ होता है, हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं, तो स्ट्रेंथ जो होती है, ठीक है, तो यहां पर बोलोगे दैट इज नॉर्थ पोल भी क्या हो जाएगा, एम एम, ठीक है। तो ये क्या है, दैट इज नथिंग बट स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स। क्या होती है ये आपकी, स्ट्रेंथ ऑफ पोल्स, ये मैंने बताया लास्ट लेक्चर के अंदर। तो नॉर्थ पोल नहीं लिख सकते आप, उनकी स्ट्रेंथ लिखनी होती है, ये चार्ज का स्ट्रेंथ है, ठीक है, दैट इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो क्वांटिटी ऑफ नॉर्थ पोल लिखना होता है तो दैट इज एम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, के एम डिवाइड बाय, डिस्टेंस कितना रहेगा, वही आर स्क्वायर। बात आती है यहां पर के का दोनों वैल्यूज अलग अलग, ठीक है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का के है, ये मैग्नेटिक फील्ड का के है, तो दोनों का डिफरेंस है थोड़ा सा। क्या डिफरेंस है देख लो, के का वैल्यू यहां पर क्या होता था, 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, यहां पर के का वैल्यू क्या होता है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4, ठीक है, ये पता लगेगा आपको, ठीक है। इसी चैप्टर में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे कि क्यों होता है ये, फिलहाल इस थोड़ा सा ध्यान रखें, इसका वैल्यू क्या होता है, 9×10⁻±, ठीक है, यूनिट रहता है सबका, ठीक है, तो इनका भी क्या है, यूनिट रहेगा, तो कोई ना कोई यूनिट रहेगा, तो यूनिट बताएंगे आपको, के का यूनिट बता चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में ही फिलहाल, लेकिन हम लोगों को ये सब चीजें पता करना है, ठीक है। और भी क्या इन्फॉर्मेशन होता है, आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फॉर्मेशन होता है, दैट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, क्या होता है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो ये लिखना पड़ेगा, क्या होता है ये, हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव क्यू, ठीक है, एंड टुवर्ड्स द नेगेटिव क्यू। ये प्रॉपर्टी है आपका ई का, तो यहां भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए सर, ये हमेशा क्या होता, अवे फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल, ठीक है। तो हमेशा आपको पता है ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा सर हमेशा अवे फ्रॉम नॉर्थ, क्यों, पॉजिटिव की जगह कौन आ जाएगा, नॉर्थ पोल, ठीक है, बस इतना ही तो चेंज हुआ है, नॉर्थ पोल, और हमेशा क्या हो जाएगा बेटा, टुवर्ड्स द साउथ पोल। क्यों लिख रहे हो साउथ पोल, क्योंकि नेगेटिव क्यों जहां पर आ जाएगा वहीं पर क्या लिख दोगे, साउथ। ये कॉम्बिनेशन हम लोग बना रहे हैं, ये डिस्कस कर चुके हैं, फोर्थ चैप्टर में डिस्कस हो जाएगा, नहीं भी हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम पता लगा, ठीक है। चलो एक चीज हमें पता लग गया, एक चीज का तो हमें कंफर्मेशन हो गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है पॉइंट चार्ज की वजह से वो किस तरह से प्रोपगेट होता है ये तो हम पता लगा चुके। चलो दूसरी बात करते हैं, हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, क्या पढ़ा था हमने,
इलेक्ट्रिक डायपोल, तो यहां पर भी क्या होगा, एक मैग्नेटिक डायपोल। भाई फील्ड तो सेम तरह का है ना, तो यहां पर क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल होगा। यहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको, मैग्नेटिक डायपोल देखने को मिलेगा। तो मैग्नेटिक डायपोल और इसमें क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, यही तो पढ़ना चाहते हैं हम लोग, ऐसा हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा पढ़ना जरूरी है हमारे लिए, क्यों है, ये सब चीजें डेराइव हो जाएंगे आपके लास्ट चैप्टर में, लेकिन फिलहाल के लिए हमें इनको पढ़ना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आगे प्रॉपर्टीज आएंगी, उन प्रॉपर्टीज को इन्हीं वैल्यूज के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, इन्हीं वैल्यूज के साथ हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। तो उस चीज के लिए, एस्टेब्लिशमेंट के लिए हम लोग ये सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो देखें इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, आपने कहा सर इलेक्ट्रिक डायपोल में यहाँ पर होता है एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर होता है एक पॉजिटिव चार्ज, ये तो हो गया पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया हमारे पास में नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये पास पास होते हैं, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लेके चलती है वो कितना होता है मेरा, वो होता है बेटा जी टू वे, वो क्या होता है टू वे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, ये तो एक ही रहेगा, छोटू बार मैग्नेट है ये, क्या है एक छोटू बार मैग्नेट है, जिसमें एक क्या है नॉर्थ पोल है, एक क्या है साउथ पोल है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज ये नेगेटिव चार्ज, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पोल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपके पास में टू ए, जैसे पहले होता था वही तो सब है। कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज होती थी, क्या नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट चलता है, क्या चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट चलता है। तो ये बेटा यहां पर भी साउथ से नॉर्थ की तरफ भी तो कुछ आता है ना, याद करो ऐसे जाएगा फील्ड, इस तरह जाएगा तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करेगा। तो यहां पर जो नेगेटिव यहां पर है वो कौन है, साउथ पोल, यहाँ जो पॉजिटिव वो कौन है, नॉर्थ पोल। तो साउथ से नॉर्थ की तरफ कोई ना कोई एक फंक्शन मूव करेगा, क्या करेगा, एक फंक्शन मूव करेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम वेक्टर। जैसे ये पी वेक्टर है वैसे इसको हमने बोल दिया एम वेक्टर, ठीक है। तो एम वेक्टर कैसे मूव करता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। इनके हमने कुछ वैल्यूज काउंट की, इनके लिए हमने क्या की थी, वैल्यूज काउंट की थी। कैसे कैसे काउंट की थी, अब इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट हो सकता है, इसके इक्वेटोरियल पे कोई पॉइंट हो सकता है, कोई जनरल पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो काउंट किया था यहाँ पर लिख देते हैं, हमने पता लगाया था ई एक्सिस, एक्सिस का मतलब इसी पॉइंट के ऊपर ऐसा कुछ रखा हो, ठीक है। एक्सिस का मतलब क्या होता है, ये कोई पॉइंट है, इसको आपने बोल दिया दैट इज नथिंग बट बोल दो इसको ए पॉइंट, कुछ भी बोल दो। सिमिलर यहाँ भी क्या होगा, कोई ए पॉइंट होगा, एक्सिस पे हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट ए हो गया, ये भी क्या है आपका, एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट ए है, क्लियर है। इक्विटोरियल का मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस, इसका भी एक परपेंडिकुलर एक्सिस। जनरल पॉइंट का मतलब किसी एंगल के ऊपर, ये सब काम तो कर सकते हो ना यार, ये सब काम तो आप कर सकते हो, ये कैलकुलेट कर चुके हैं। वैल्यू कितना होता है, याद नहीं होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, याद हमें रखना है। कैसे करते थे इसको, इसका जो सब चीजें होती हैं हमारे पास में, डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, मोमेंट वोमेंट होते हैं, तो फिलहाल तो हम लिख देते हैं इसका ये डाइपोल मोमेंट। पहले पी तो बता दें आपको, पी होता कितना है वो तो देख लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात कर लेते हैं, तो आपने कहा सर सबसे पहले तो हमें एक्सिस पे तो बात छोड़ो, पहले हमें पी पता लगाना है। पी वेक्टर क्या होता था बेटा, पी होता था क्यू मल्टीप्लाई बाय टू ए, कितना होता था, क्यू मल्टीप्लाई बाय टू ए। सिमिलर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, एम वेक्टर, तो एम वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपने कहा सर क्यू टू ए, क्यू की जगह कौन आ जाएगा, इनका स्ट्रेंथ, और इनका स्ट्रेंथ किसमें डिफाइन होता है, एम में, इनका स्ट्रेंथ किसमें डिफाइन होता है, एम में। तो क्या लिखोगे, एम मल्टीप्लाई बाय टू ए, क्या लिखोगे, एम मल्टीप्लाई बाय टू ए, क्लियर है सब बातें, बहुत बढ़िया। अब आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से कैसा कैसा बना था, भाई इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया था ना, इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसा बना था, इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बना था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बना था वो देखना है। तो आपने कहा सर अब देखेंगे कि एक्सिस के ऊपर कितना वैल्यू आएगा, ठीक है। इसी तरह से इनकी क्या देखना है आपको, आपने देखना है एम वेक्टर एक्सिस की वजह से कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, बस इतना सा डिफरेंस। कितना कितना वैल्यूज है, कितना कितना वैल्यूज होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको ये याद है तो ये हो जाएगा, ठीक है। कितना होता था, आपने कहा सर ये तो पता ही नहीं है, रिलेशन याद है इधर का और इधर का, इक्विटोरियल का डबल का होता था, बताया था मैंने आपको, है ना। कितना होता था ये आपका होता था 2kp डिवाइड बाय, डिवाइड बाय में क्या होता था, आर क्यू, ठीक है।
क्या होता था, कहां पर होता था, अलोंग पी वेक्टर, इसी डायरेक्शन में होता था, इसी डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये सब बताने पड़ते हैं किसके अलोंग होता है, अलोंग पी वेक्टर। इक्वेटोरियल वाला क्या होता था, अपोजिट होता था, तो वो सब भी बताना पड़ेगा आपको। तो आपने कहा सर दूसरा होता था इक्वेटोरियल वेक्टर, इक्वेटोरियल एक्सिस के ऊपर कितना होता था इसका हाफ, तो क्या कैसा हो गया, केपी डिवाइड बाय आर क्यूब। कैसे लिखोगे, अपोजिट टू, अपोजिट टू पी वेक्टर, ठीक है, पी वेक्टर के अपोजिट हुआ करता था वो। क्लियर सब बातें। कोई जनरल पॉइंट होता है तो जनरल पॉइंट का वैल्यू भी आपको याद रखना है, ठीक है, हम डिराइव कराएंगे वैसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जनरल पॉइंट की अगर बात करोगे तो कितना हो जाएगा, ये सिंपल है, केपी डिवाइड बाय जो है वो तो सब रहेगा, ठीक है, केपी डिवाइड बाय आर क्यूब, बस इसमें वैल्यूज ही तो आने वाला था ना, तो इसी में आप वैल्यूज पुट करके देखोगे तो आपको अपना वैल्यू मिल जाएगा, कितना होगा 3 cos² θ, तो आ जाएगा 3 cos। अब देखिए वैल्यू पुट करो, एक्स का मतलब थीटा जीरो, थीटा जीरो मतलब 3 + 4, 4 का रूट 2, 2 आ गया, देखो थीटा का वैल्यू 90 पुट कर दो, खत्म, √1 ये आ गया, देखो तो जनरल वैल्यू है, दोनों यहां से आ जाएगा, किसी एंगल पे देखना है ऐसे आ जाता है। अब आपने कहा चलो ये तो हमें पता लग गया, अब इसको हम इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसमें कन्वर्ट करना चाहते हैं, एक्सिस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, एम की वैल्यू, एम का वैल्यू हम लोग क्या करना चाहते हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करें, आप समझो चीजों को कैसे करना है भाई, के की जगह तो के रहेगा तो सब कुछ सेम रहेगा, 2 × k, पी की जगह कौन आ जाएगा, एम डिवाइड बाय आर का वैल्यू तो क्या रहेगा, आर क्यूब, ये अलोंग पी है तो ये क्या हो जाएगा, अलोंग एम, ये क्या हो जाएगा, अलोंग एम वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। सिमिलर आपने कहा सर एम वेक्टर इक्विटोरियल पे कैसा होगा, तो इक्विटोरियल का ये वैल्यू आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में काउंट करा चुका हूं मैं, ठीक है, उस डेरिवेशन को देखें एक बार आप अपने पास, तो ये आपको दिखेगा, तो आप कहेंगे सर ये कितना हो जाएगा, के, पी की जगह कौन आ जाएगा, एम डिवाइड, जो चैप्टर है वो थियोरेटिकल है, पूरा थियोरेटिकल है, ठीक है, तो आपको थोड़ा पेशेंस देना पड़ेगा, आपको इसमें भी अच्छा लगने लगेगा जब धीरे धीरे हम मैग्नेटिज्म की तरफ आएंगे, अर्थ का मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन ये चीजें तो पुराना है, उस पुराने वाले कंसेप्ट से नया कंसेप्ट को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे डेवलप कर रहे हैं भाई, के की जगह के रहेगा, के का वैल्यू अलग हो जाएगा, पी की जगह कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा, एम का वैल्यू कहाँ से होता है, साउथ से नॉर्थ, या क्या होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, सेम कंडीशन है, सब कुछ सेम तरह का हमारे पास में सिचुएशन बनेगा, ठीक है, सारा सिचुएशन क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब बात आती है थर्ड पॉइंट, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अलग अलग पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गया, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक, डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्या क्या है, दैट इज डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो ये क्या है, दैट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेट, ठीक, इतना सा चेंज है बस। वैल्यूज बस के का आपको पता होना चाहिए, के का वैल्यू बता चुका मैं, लास्ट थोड़े से थोड़ा सा बैक करके देखोगे तो के का वैल्यू इन पे बन पाए, क्या होता है यहाँ पर ध्यान देंगे, के का वैल्यू वापस से लिख रहा हूं मैं, 4πε0 होता है, यहाँ पर के का वैल्यू कितना होता है, μ0/4π होता है, ठीक है, यहाँ जो एप्सिलॉन था वो म्यू में कन्वर्ट होकर ऊपर चला गया, इतना सा चेंज हुआ। चलो थर्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, अब क्या करें, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पुट किया था, टॉर्क निकाला था, ठीक है, क्या किया था हमने, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म क्या किया था हमने उसके अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने उसको अगर प्लेस कर देते हैं तो क्या सिस्टम बनता है वो देखना था। तो डेफिनेट सी बात है यहां भी इस तरह का एक बिहेवियर होगा, कैसा बिहेवियर होगा, आप बोलोगे सर मैग्नेटिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, यहां पर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये सब चीजें फोर्थ चैप्टर आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा, ठीक, सब चीजें वहां पर हमने डिस्कस किया, यहां भी डिराइव करा देंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समय लगेगा, अभी नहीं, डायरेक्ट चैप्टर शुरू नहीं हो उससे पहले डिराइव कैसे करा दें, कुछ कॉन्सेप्ट बनाओ फिर उसके बाद डेरिवेशन कर पाएंगे, कैसे करते थे सर इसको हम, याद करो तो आप लेते थे यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होता था आपके पास, ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते थे हम लोग,
ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या लेना है आपको, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेना है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही किस तरह से इसको शो करते हैं। पैरेलल इक्वी स्पेस लाइन होती हैं, इनको हम लोग बोलते क्या है, इसी तरह से इसको बी वेक्टर बोल देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे बेटा, ई वेक्टर बोलते थे। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। अब इसमें क्या होता था, इसमें प्लेस करते थे डाइपोल। डाइपोल कैसे प्लेस करते थे सर, ये पॉइंट होते थे ऐसे, ठीक है। ये होता था आपका पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये आपका क्या होता था नेगेटिव क्यू चार्ज। डिस्टेंस कितना होता था 2a, डिस्टेंस कितना था 2a, और इधर से क्या चलता था आपके पास में p वेक्टर। फोर्स की बात करोगे लगा देते हैं अभी रुको, यहां पर भी आपका पास वही सिस्टम है, यहां पर भी आपके पास में क्या है नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये आपका नॉर्थ पोल, डिस्टेंस कितना है 2a, और मैग्नेटिक मोमेंट चलता है विच इज इक्वल टू m वेक्टर। ये होता था, यही सब होता था। इसके अंदर फोर्सेस आते थे, तो इसमें आपने देखा था यहां पर क्या होता था QE अमाउंट का फोर्स इसको फील होता था, यहां पर क्या होता था आपका माइनस QE अमाउंट का फोर्स फील होता था। ये किसी थीटा एंगल पे यहां पर टिल्टेड हुआ करता था, अभी भी ये क्या है थीटा एंगल पे है, यहां पर भी कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, यहां पर भी कुछ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मोशन करेगा तभी लगेगा, इसको मूव कराओगे तभी इस तरह का हमारे पास में कुछ फोर्स लगेगा। तो कैसे हम लिखते थे टॉर्क को, इसको यहां से रिजेंबल कर देंगे, क्या कर देंगे रिजेंबल कर देंगे। कैसे लिखते थे आपने कहा सर, वहां लिखते थे टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय ई। पी क्या होता है डाइपोल मोमेंट, ई क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट है। कैसे लिख देते थे आप, टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय E मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ थीटा। थीटा क्या होता था आपका, थीटा का वैल्यू होता था एंगल बिटवीन P एंड E। तो कैसे दिखता था आपको ये सब चीजें, मैं दिखा देता हूं आपको। ये जो डायरेक्शन था, ये डायरेक्शन किसका होता है P वेक्टर का, ये जो डायरेक्शन होता है ये किसका है आपका E वेक्टर का, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या होता था थीटा, और इनके परपेंडिकुलर कौन आता था टाउ वेक्टर। कैसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या देता है आपको, थर्ड जो क्वांटिटी आएगा वो भी कैसा हो जाता है वेक्टर हो जाता है। ऐसे लिख देते हो, तो आपने कहा सर हाँ यही कुछ होता था, ठीक है। इनका पोटेंशियल एनर्जी लास्ट चैप्टर में हमने काउंट किया है, लास्ट चैप्टर में हमने पोटेंशियल एनर्जी काउंट किया, क्या आया था देखो जरा, या तो वर्क डन बोलो या तो क्या लिखोगे आप पोटेंशियल एनर्जी, और ये वैल्यू कितना था माइनस पी डॉट ई, कितना था पी डॉट ई E वेक्टर मल्टीप्लाई बाय E वेक्टर। तो कैसे लिखा था आपने उसको, आपने लिखा था माइनस ऑफ PE मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा। थीटा अभी भी वही सबसे, थीटा का वैल्यू अभी भी वही सबसे, ठीक है। तो आपसे टॉर्क पूछ सकता है, आपसे वर्क डन पूछ सकता है थीटा एंगल पर रोटेट कराने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कितना हो सकता है, सब कुछ वो आपसे पूछ सकता है, अलग से डेराइव करने की जरूरत नहीं है, ये हम कर चुके हैं पहले से, ठीक है। तो चैप्टर टू को आप देखें, उसमें ये सब काम हो चुका है, बस आपको क्या करना है इससे डेराइव करना है मैग्नेटिक इफेक्ट को, आपको क्या डेराइव करना है मैग्नेटिक इफेक्ट को। तो यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट का टॉर्क भी क्या हो जाएगा टी ही रहेगा, पी क्रॉस ई था तो पी की जगह वहां पर कौन आ जाएगा, आपने कहा सर वहां पर एम आ जाएगा, ई की जगह कौन आ जाएगा बेटा पी आ जाएगा, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा। तो टॉ को कैसे लिख दोगे, आपने कहा सर टॉ वेक्टर इज इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। इनका अरेंजमेंट देखना चाहते हो, तो आपने कहा सर ये भी तो वही चीज है, यहाँ पर आपका एम वेक्टर जाता था, ये हमारा बी वेक्टर इस तरह से था, ये हमारा एंगल थीटा था, तो इनके परपेंडिकुलर बाहर कौन आ जाएगा इधर सर टॉ आ जाएगा, ठीक है। तो इनका भी कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, यहीं से कैलकुलेट कर लो, अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है, यहीं से इसको डायरेक्टली बता दो। तो आपने कहा सर कैसे लिखें, तो बेटा जी वर्क डन तो वही रहता है अगेंस्ट द फोर्स, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स, तो अदर कंजर्वेटिव फोर्स कौन है मैग्नेटिक, इधर कौन था इलेक्ट्रिक, दोनों का तो सेम प्रॉपर्टी है, तो दोनों का प्रॉपर्टी जब सब कुछ सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मेशन है वो भी सेम है, फोर्सेस का भी फॉर्मेशन सेम है, दोनों वेक्टर हैं, दोनों का डायरेक्शन भी फिक्स है, पॉजिटिव नेगेटिव, इधर का नॉर्थ से साउथ है, सब कुछ फिक्स है, तो इसका मतलब सब कुछ सेम होने वाला है। तो आपने कहा सर ये वापस से पी की जगह कौन आ जाएगा बेटा, पी की जगह आ जाएगा आपका एम वेक्टर, और ई की जगह कौन आ जाएगा आपके पास में पी वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट है, वैल्यू कितना बन जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ सॉरी बी मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अगर आपसे कोई मैग्नेटिक फील्ड का
पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेता है तुरंत बता दोगे यहां से, टॉर्क पूछ लेता है तो तुरंत यहां से बता दोगे, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं। ठीक है, अब ध्यान रखोगे यूनिट सबका पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर्स में, तो यहाँ पर यूनिट क्या रहेगा न्यूटन मीटर ही रहेगा। एनर्जी जूल्स में होता है, तो ये भी दोनों क्या रहेगा जूल्स में रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ आपका वही सब कुछ सेम। ठीक है, वही सब कुछ आपका सेम है, किसी तरह का कोई भी हमारे पास में चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, सब कुछ हमारा वैल्यूज सेम ही रहता है। क्लियर है सब बातें? तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग यहाँ पर इस तरह से काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम का वैल्यू भी होता था, कुछ कुछ वैल्यू लिखाया था मैंने आपको, याद है अगर, तो कैसा होता था, आपने कहा था सर पी का मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, पी का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग बात करते थे। और एक पॉइंट आया था जब यू का वैल्यू क्या था, जीरो था। ठीक है, यू का वैल्यू क्या था, जीरो था, मैक्सिमम मिनिमम क्या था, तो मिनी मैक्स मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसका, मिनिमम वैल्यू अनस्टेबल उसको मैंने बोला था, इसको हमने क्या बोला था, दैट वाज अनस्टेबल। ठीक है, ये क्या बना था मेरे पास में, अनस्टेबल होता है, क्या होता है अनस्टेबल था। वैल्यू क्या था मेरे पास में, पीई। ठीक है, स्टेबल में क्या था, स्टेबल में आपने देखा था वहां पर क्या बना था मेरे पास में, माइनस पीई, और ये जीरो था, मतलब स्ट्रेट लाइन हो गया था। हमारे पास में यू के वैल्यूज थे, यू के वैल्यूज क्या क्या थे, मैक्सिमम वैल्यू था, मिनिमम था, मैक्सिमम का मतलब स्टेबल था, मिनिमम पे पीई आया था, अपोजिट एंटी पैरेलल हो गए थे, याद है, कुछ याद है एंटी पैरेलल होते थे, बताते हैं, चलो बना के बताते हैं आपको कैसे हुए थे ये सब, ये भूल गए होगे ना। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा बेटा, यू का वैल्यू कुछ मिनिमम रहेगा हमारे पास में, फिर क्या रहेगा कुछ वैल्यू मैक्सिमम रहेगा हमारे पास में। ठीक है, उसी तरह से फिर वैल्यू एक बार जीरो की तरफ जाएगा, कब जाएगा जीरो का वैल्यू, सर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करते चला जाएगा, थीटा का वैल्यू जैसे ही 90 डिग्री पुट करोगे ये कुछ हो जाएगा। एक बार अनस्टेबल था, तो आपने कहा सर अनस्टेबल कब था, मैंने आपको बताया था बेटा जैसे ही थीटा का वैल्यू आप क्या कर देंगे 180 डिग्री, दोनों क्या हो जाएंगे एंटी पैरेलल, क्या हो जाएंगे एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल होते ही क्या हो जाएगा ये मिनिमम, मैक्सिमम कितना हो जाएगा स्टेबल पे था। ठीक है, स्टेबल बोला था इसको हमने, और थीटा का वैल्यू ऐसी कंडीशन में क्या था जीरो डिग्री। तो ये तीन कंडीशन थे जिन पे आपको वैल्यूज ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्या है पीई है, तो यहाँ पर अनस्टेबल जब रहा होगा तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास में, एम मल्टीप्लाई बाय बी हो जाएगा। ठीक है, जब ये स्टेबल रहा होगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई बाय बी माइनस, और यहाँ पर जीरो तो है जीरो रहेगा ही। ठीक है, तीन तरह से सब हमने काम किए थे। ठीक है, अलग अलग टॉर्क हमने दिया था उसको, ऐसे रोटेट कराया था थीटा एंगल से, रोटेशन में कितना एनर्जी हमारा स्टोर हो जाएगा, तो एनर्जी स्टोरेज कितना था, वैल्यू हमारा पीई कॉस थीटा माइनस टर्म में आया, कितना आया था माइनस टर्म में आया था, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में काम है इसलिए इसको हमने माइनस बोला है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी आपको देना पड़ रहा है, सिस्टम को आपको एनर्जी देना पड़ेगा उस रोटेशन को देने में, उस रोटेशन को करने में, उस डाइपोल को आपको रोटेट कराने में एनर्जी देना पड़ रहा है, इसलिए वो साइन कैसा है माइनस है। ठीक है, माइनस का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल, साइन का मतलब माइनस और प्लस से थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ छोटा सा टॉपिक हमने आज डिस्कस किया है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल एनालॉजी को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ मैग्नेटिज्म के नाम से उसको दिया हुआ है अपने चैप्टर के अंदर, तो उसका हम डिस्कशन करेंगे, काफी इंटरेस्टिंग है, टोटल थ्योरेटिकल चैप्टर है बेटा, थोड़ा सा हमें पेशेंस देना पड़ेगा। ठीक है, इसमें आपको पोटेंशियल एनर्जी वाला फील या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला फील या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला फील नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि सब थ्योरी 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 है, तो वो सब जो है वो है, उसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। क्लियर सब बातें? तो तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल, कमेंट ऑन द वीडियोस।